मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सैयद माज साहिब से, जो लीगल एडवाइज़र हैं आईसीयू और फैकल्टी मेंबर ज़ियाउद्दीन यूसी से, कि वो तशरीफ़ लाएँ और माहौलियाती बहरान के ऊपर गुफ्तगु फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। माजरत, वो थोड़ा सा टेक्निकल एक डिफ़िकल्टी थी। तो आज का मौजू जो है वो खैर काफ़ी दोस्तान और काफ़ी मैं तो समझता हूँ मेरे अपने उस्ताद जो मिससे सीनियर हैं वो कर चुके, और कुछ बातें जो हैं शायद आपको लगे कि रीएम्फसाइज होगा, लेकिन हमारा दीन ही एक जिक्र है तो उस चीज़ को याद दिलाना इट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप फिर स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स नहीं आ गया। तो आज का जो टॉपिक जो मिससे दरख्वास्त की दी थी एक यूनिक एंगल से कि हम इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट में कर क्या रहे हैं, और एक ख़ास प्रोजेक्ट है, वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपकी अपनी तारीख का हिस्सा है, और वो तारीख का हिस्सा इस हिसाब से है कि हमारे अपने दीन के अंदर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और मॉडल्स हैं जो हम खुद भूल गए हैं। आज जो आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलाती के ऊपर जो एक तरह से जुल्म हो रहा है इंसान जो कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला और सुन्नत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जांपल से और सहाबा इकराम के एग्जांपल से हमें क्या बताया जाता है एंड हम क्या थे एंड हाउ फार वी हैव गॉन फ्रॉम वेयर वी वर सपोज्ड टू बी। तो आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द ग्रीन वक्फ, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो इस्लामिक सस्टेनेबल सोल्यूशन जो हम प्रमोट कर रहे हैं 57 OIC कंट्रीज़ में, एंड उसका पायलट प्रोजेक्ट हम पाकिस्तान में कायम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होपफुली दिस ईयर यू विल हियर इट्स अनाउंसमेंट। आइडिया ये है कि एक तो फिर इस्लाम और एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहा जाता है। सो इफ यू लुक एट सम ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स, एक हदीस का जो मिसाल है जो रसूल सल्लम खुद कहते हैं कि एक मुसलमान एक खजूर की दरख्त की तरह है। अब इसके ऊपर जो है काफ़ी जो है उलमा ने इसके ऊपर अपनी तफसीरों में बयान किया, लिखा है इसके बारे में, लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात का कि रसूल सल्लम ने हमें इंसान को एक पौधे के साथ कंपेयर किया, वो भी मुसलमान को एक लिविंग चीज़ खजूर का दरख्त। ये ज़रा सिंबलिज्म आप समझें और इसकी अहमियत समझें कि हमारा मिसाल जो है एक खजूर के दरख्त के साथ लगाया गया। दैट इज़ द इंटीमेट रिलेशनशिप जो हमारी और पौधों के साथ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी करवाई है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए। नॉट ओनली दैट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बताते हैं कि पूरी जो ये अर्थ ये दुनिया है जहाँ पे इस हम चल रहे हैं, हर जगह इसका एक मसाजिद आप कायम कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, जो पिछली कौमों को नहीं दी थी ये इख्तियार। वहाँ पे इबादत खाने होती थी, वहीं पे इबादत हो सकती थी, लेकिन हमारे लिए ख़ास कहा गया, हदीस में बयान है, हुएवर यू मे बी एट द टाइम ऑफ प्रेयर, वेवर यू मे बी, यू मे प्रे फॉर इट द अर्थ इज़ एन एंटायर मस्जिद। पूरा आपका जो है ये ज़मीन जो है एक मस्जिद है। और मस्जिद ऐसी कैसी खास चीज़ है, मस्जिद इज़ अ होली प्लेस। काबा शरीफ जो हमें सब पता है मुसलमानों को इज़ द मोस्ट होली साइट्स, वहाँ पे सबसे नंबर वन इबादत में क्या है, सलात, नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे, पाक जगह है। तो हमें इस पे सोचना नहीं चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह रहे हैं कि हम हर जगह इस दुनिया में नमाज कायम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो उसको भी पाक रखना चाहिए। दीज आर द रिफ्लेक्शंस जो हम ओवरऑल देखते हैं। सूरत रोम के अंदर हमें बताया जाता है कि जो अल फसाद है, करप्शन है, थ्रू आउट द लैंड एंड सी बाय रीजन ऑफ द हैंड्स ऑफ द पीपल, मतलब ये दुनिया के इंसानों जो है ये करप्शन, ये फसाद जो है फैलाया दुनिया के अंदर, सो दैट ही मे लेट देम टेस्ट अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जो फ्लड्स आके पाकिस्तान में आए उसके अंदर हमारा हाथ भी शामिल है। ठीक है, 1% था, मैं मानता हूँ इतना मेजर नहीं था, दूसरे मुल्कों का भी ये शेयर था उसके अंदर, लेकिन आपका भी तो शेयर है। इसका क्या मतलब है कि आपके गुनाह कुछ कम हैं, आपका भी तो हिसाब होगा। मैं आपको एक
जोक बताता हूँ, ऑब्वियसली लॉ में मैं पढ़ाता हूँ, ज़ियाउद्दीन का जो लॉ प्रोग्राम है उसको मैं को फाउंड किया था मैडम शाइस्ता सरकी के साथ, और वहाँ पे अमूमन मुझे अमूमन बच्चे कहते थे सर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ नहीं होता। मैं एक दिन कह गया अब मैं थक गया उस बात का, मैंने कहा एक मिसाल लूँगा और आज भी मैं आपसे एक मिसाल ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर खुद सोचें और गौर फिक्र करें। क्या कानून के अंदर नहीं लिखा कि डू नॉट लिटर, गार्बेज मत फेंकना सड़कों पे, पौधों में जो हम करते हैं? कौन यहाँ पे बैठा हुआ है उस कानून को जो है प्रैक्टिस करता है, और किस किस ने वायलेट किया वो कानून? अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक के मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं स्पेंड करूँ, कैमरा सेटअप करूँ, पूरा एक इदारा बनाऊँ एंटी लिटरिंग फोर्स का, और लोगों को डंडे की बुनियाद सही रास्ते पे लेके आऊं। और दूसरा जो रास्ता है कि आप अंदर वो खौफ खुदा, क्योंकि खुदा को आपको जवाब देना है कि आपने इस मस्जिद को किस तरह से उस हाल में छोड़ा है। एंड दिस इज द रियलिटी कि लॉ की इंप्लीमेंटेशन आधा आपके अंदर है, हिसाब हमें देना होगा अल्लाह सुब्हान तआला को, और ये चीज़ हमने अभी तक अपनाई नहीं है। हकीकत बात बताऊं, आज भी अगर हम पीछे जाते रहेंगे वो इस वजह से क्योंकि वी हैव एंड वोक इन आर सेल्व्स। किसी और को ब्लेम मत करें, अल्लाह को हिसाब मुझे अपना देना होगा और आपको भी अपना देना होगा। इस पे गौर और फिक्र करें कि मैंने क्या किया। इस हिसाब से जो क्लीन की प्रिंसिपल्स मैं समझता हूँ जो इन्वायरमेंट ने इस्लाम के अंदर हैं, कि एक तौहीद का प्रिंसिपल है कि सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, खुदा के पास हम सब वापस जाएंगे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, फ्रॉम ही वी कम एंड टू हिम वी शुड ऑल रिटर्न, इंक्लूडिंग द लिविंग थिंग्स। तौहीद का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। आयतुल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में क्या कहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करें। आप जाएं बाहर देखें सूरज उठना नीचना, पौधे कैसे जो है वो बारिशें होती हैं उसकी खुशबू, दीज आर थिंग्स टू रिफ्लेक्ट ऑन, साइंस, द बीज, द एनिमल्स, मैन। और तीसरा मेन प्रिंसिपल, इंसान को एक खलीफा बनाया इस अर्थ में, आप एक खलीफा हैं बट आपकी जिम्मेदारी है, एंड उस जिम्मेदारी को हमने सही तरीके अपनाया नहीं है। हम गैर मुसलमानों को क्या कह सकते हैं जब आपके अंदर खुद वो सलाहियतें नहीं हैं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आज जहाँ इस्लाम और मुसलमान दुनिया कहाँ पहुंची है वो अपनी हरकतों की वजह से। खुद अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं, जो फसाद फैलाएंगे इस दुनिया में उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही भरेंगे, और यही हम देख रहे हैं। ऑनरिंग द कवर्नेंट, जो अमाना है, जो हमें पता है हमारी किताबों में जो लिखा है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने सबसे एक कवर्नेंट लिया था, एक प्रॉमिस लिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, क्या कहा था, जो इस कवर्नेंट के तहत चलेंगे वो हैं सेव्ड, जो नहीं है वो फारिग हैं। जस्टिस, अदल, और ऑफ कोर्स द मीज़ान। और मीज़ान के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जस्ट इस साल अप्रैल में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने लॉन्च किया है अल मीज़ान। उनको भी एहसास आ गया कि अगर 25% इस दुनिया की पॉपुलेशन से बात करनी है हमें एनवायरनमेंट के हवाले से तो इस्लाम के जरिए बात करें। एंड दे स्टार्टेड द अलमीज़ान कवनेंट प्रोसीजर, जिसके अंदर जो है वो इंकरेज करते हैं मुसलमान लोग अपने इलाकों में इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करें और गौर फिक्र करें कि एनवायरनमेंट के बारे में इस्लाम क्या कहता है। मैं आपको कहूँ रिसाइकलिंग इज़ गुड, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँ कि दीन आपका कहता है कि आप रिसाइकिल करें, तो इसके अंदर फ़र्क होता है, क्योंकि इंसान की जो मोटिवेशनल एक चीज़ ख़ास होती है वो उसका एक फेथ होता है। और जहाँ दीन से अगर जो बात करें, जैसे हमारे उस्ताद हैं यहाँ पे, हमारे आलिम हैं, ये खुद आपको ये इंकरेज करते हैं, आप खुद मोटिवेट होते हैं एक बात से कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये किया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एग्जाम्पल था, एंड देन वी गेट मोर मोटिवेटेड टू डू दैट। दो और चीज़ें ऑफकोर्स फसाद के हवाले से भी है, और ऑफकोर्स द लास्ट प्रिंसिपल, अमर बिल मऊफ व नहीं अल मुनकर। जो ग्रीन वफ इनिशिएटिव है, इसके बारे में बस मुख्तसर मैं एंड करूँगा अपने गुफ्तगू के, कि क्या है। मुसलमान दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एज़ यू कैन सी,
9 of the OIC countries are in a very sensitive area. Pakistan is one of the major ones in there. Jiske andar hamari food production ke upar bada risk hai. Aap dekh sakte hain ki this is a critical juncture ki hame khud apne aap apni behtri ke liye apni survival ke liye hame sochna hai abhi us waqt. Green Waqf ka ye idea ye hai ki aap jo hai ek waqf kare ek zameen Allah ki khatir aur usko musalsal green space mein rahein. Aur uske liye kya hai कि एक सोशल फाइनेंस मींस का हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि आप लोग खुद इस पे एहसास करें कि ये आपका एक सदका है. जब हम पौधा उगाते हैं वो एक सदका है, लेकिन ऐसे हो, इस फ्रेमवर्क में हो, एक वक्फ ज़मीन पे हो जो मुसलसिल फिर उसको जो है वो ग्रीन स्पेस रहे. इट्स सेल्फ सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक सोशल एंड इकोलॉजिकल एट द सेम टाइम. थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा, एक तारीखी हिसाब से आपको एक बहुत शॉकिंग बात बताऊँगा. खिलाफ़ उस्मानिया के अंदर मोर देन 60% ऑफ द अरबल लैंड वॉज वक्फ. इसका मतलब है जो जमीन जहां पे आप पौधे उगा सकते हैं 60% वॉज वक्फ. इसके माने यह है कि अल्लाह की खातिर लोगों ने डोनेट कर दिया था वो जमीन, और वहां से जो भी पौधे आ रहे थे, वेजिटेबल्स आ रही थी, वो मार्केट में एज रेट मिल रहा था. आज अगर हम फूड की किल्लत है, यहाँ पे गंदम का प्राइस कहाँ जा रहा है, शुगर का प्राइस कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो है एक कैपिटलाइजेशन की हुई उस चीज़ को. वक्फ क्या है? वक्फ है कि मैं ये ज़मीन जो है अल्लाह की खातिर दे रहा हूँ कि सदियों तक जो है वो लोगों को बेनिफिट करे. और ये खिलाफ उस्मानिया में हो चुका था, लेकिन जहाँ वेस्ट का करप्शन आया, जहाँ वेस्ट ने ऑटोमेंस को करप्ट कर लिया, फिर वही ज़मीनें रियासतों ने कब्जा कर करके उसको पब्लिक लैंड करके खा खा के चाइना कटिंग करके जो आजकल कह रहे हैं खा गए. आज हम पीछे जहाँ खड़े हैं मुसलमान दुनिया में, वो इस वजह से. आप देख सकते हैं ये स्टैटिस्टिक्स मुख्तलिफ दुनिया में. और ये कोई एक चीज़ नहीं है कि हम कोई आप समझते हैं कि इस्लामिक चेंबर कर रहा है. इस्लामिक चेंबर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है. ये चीज़ हो रही है आपके रिफॉरेस्टेशन एक्शन लॉन्च गुड में, मलेशिया में हो रहा है. आपको दो तीन मिसाल दूँगा तो आप खुद शॉक में हो जाएंगे कि कितना जो है बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स हैं. एक एक मिसाल आपको दूंगा कि शेख सोले अल राजी वफ, जिसके अंदर 5,400 हेक्टेकर्स के करीब इस वफ, 2,00,000 डेट पाम ट्रीज, जिसके अंदर 45 डेट्स टाइप्स ऑफ डेट्स आर प्रोड्यूस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ये पाम ट्री का पूरा प्रोजेक्ट सऊदी अरब में वो वफ है. इसके सारे खजूर जब आप जाते हैं उमरा हज में जो आपको मिलते हैं वो इधर से. तो आप ये मत बताएं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो फ्री में मिल रहा है. लेकिन सस्टेनेबल मॉडल है किस तरह? ये है वफ की एक खुशकिस्मती, अल्लाह बरकत डालता है इस काम में. आप अगर एक और एग्जांपल लें, इंडोनेशिया में बोफर फॉरेस्ट, वहां पे उन्होंने पूरा एक फॉरेस्ट जो है खड़ा कर दिया. सस्टेनेबिलिटी उस चीज में आ गई और खुद ब खुद वो स्पेस ग्रीन रहा है. मुख्तलिफ चैलेंजेस ऑफकोर्स हैं हमारे इस ग्रीन वफ के प्रोजेक्ट के लॉन्च में. असल में एक तो खास चीज़ है कि पब्लिक अवेयरनेस बिल्कुल लो है. आपको शौक में रहेंगे कि इस सरजमीन पे जहां हम बैठे हैं यहां पे 4,00,000 वक्फ कायम थे पाकिस्तान इंडिया में. कहां है वो आज? एक ब्रिटानिया ने जो कब्जा किया करते करते करते, आपको पता है 1857 में हम लोग खड़े हुए थे, वो भी जमीने कब्जा कर रहे थे, वक्फ की जमीने कब्जा कर रहे थे. उसके बाद जो रियासतें आई फिर वो कब्जा करने लगे, मुतवल्ली जो है ढीले बैठ गए, और चंद जो मदरसे हैं उनकी ज़मीनें वही एक रह गई हैं. कैन यू इमेजिन 4,00,000 वक्फ कायम थे इंडिया पाकिस्तान में, वो कहाँ गए मुगलों के टाइम पीरियड के? वक्फ का मतलब ये है सदियों तक अल्लाह सुभान व तआला की राह में आपने दी भी है वो ज़मीन. दिस इज़ समथिंग वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स. सो इस चीज़ को हमें रिवाइव करना है और रिमेंबर करना है. और आखिर में मैं बस ये चीज़ कहूँगा, जो एक चीज़ अगेन मैं चाहूँगा कि आप सब रिफ्लेक्ट करें, कि एक मशहूर हदीस है कि अगर आप एक दरख्त उगा रहे हैं और कयामत आ जाए तो उस चीज़ को आप मुकम्मल करें. इसी एग्जाम्पल में आप सोच सकते हैं कि रसूल साहब बता रहा है कि आखिरी दम तक, आखिरी वक्त इस दुनिया में, और मिसाल क्या दिया? पौधा उगाना. तो इंशाल्लाह ताला दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम एंड द एग्जाम्पल फ्रॉम. एंड इफ़ यू हैवंट डन इट टुडे, एटलीस्ट अपने खुदा के पास वापस जाने के लिए इतना तो हो कि शायद आपके लिए वो जो एक पौधा जो आपने उगाया आपके लिए वो एक बचत हो जाए आखिरत में. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह.